नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है और आप इस समय मेरे चैनल फोटो क्रिएशन को देख रहे हैं। इस बार हम एडोबी ब्रिज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रिज फोटोशॉप का ही एक सहायक प्रोग्राम है जिसकी सहायता से आप अपनी तस्वीरों को डाउनलोड, रेट और सॉर्ट कर सकते हैं। ब्रिज फोटोशॉप के साथ फ्री आता है, लेकिन बहुत से फोटोशॉपर भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर आप फोटोशॉप सीसी यूज कर रहे हो तो एडोब के वेबसाइट से आप इसे मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रिज खोलने के लिए फोटोशॉप के फाइल मेनू में ब्राउज इन ब्रिज दबाएं या इसका शॉर्टकट कंट्रोल अल्ट ओ दबाएं। अभी स्क्रीन पर आप ब्रिज के इंटरफेस को देख रहे हैं। ब्रिज बहुत से पैनल्स का एक कलेक्शन है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। ब्रिज के इंटरफेस के ऊपर आपको मेनू बार दिखाई देगा। ब्रिज इंटरफेस के बाईं तरफ आपको फोल्डर पैनल दिखाई देगा। इसे फाइल ब्राउजर की तरह यूज कर आप अपने किसी फाइल या फोल्डर को खोल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने EOS डिजिटल फोल्डर सेलेक्ट किया है, इसलिए दाईं तरफ कंटेंट पैनल में आपको इस फोल्डर के फोटोग्राफ्स दिख रहे होंगे। ब्रिज की सहायता से आप आसानी से अपने कैमरे अथवा कार्ड से तस्वीरों को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऊपर बाईं तरफ एक छोटे कैमरे के ऐसा आइकॉन दिखेगा, इसे क्लिक करते ही एक फोटो डाउनलोडर पैनल खुल जाएगा। डिफॉल्ट रूप से डाउनलोड का ये स्टैंडर्ड डायलॉग बॉक्स ही खुलता है। आप इसके निचले भाग में एडवांस डायलॉग बॉक्स को क्लिक कर एडवांस डायलॉग बॉक्स को चुन लें। अपने सोर्स को सेलेक्ट करें जहां से आपको फोटो को डाउनलोड करना है। अपने कार्ड अथवा कैमरा के फोटोग्राफ को आप थंबनेल्स के रूप में यहां देख सकते हैं। गेट मीडिया बटन को दाब दें, आपके सेलेक्टेड फोटोग्राफ कंप्यूटर में डाउनलोड और सेव हो जाएंगे। डाउनलोडिंग के बाद आपको सभी फोटोग्राफ कंटेंट पैनल में थंबनेल के रूप में दिखने लगेंगे, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। थंबनेल स्लाइडर की मदद से आप इन थंबनेल के साइज को अपने मन मुताबिक बड़ा या छोटा कर सकते हैं। किसी फोटोग्राफ को क्लिक करने पर वह प्रीव्यू पैनल में खुल जाएगा, जो कि दाईं तरफ ऊपर है। प्रीव्यू पैनल के नीचे आपको मेटाडाटा पैनल दिखेगा, जहां आप अपने फोटोग्राफ के मेटाडाटा को देख सकते हैं और उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेटाडाटा पैनल के बगल में आपको कीवर्ड पैनल भी दिखाई देगा। यहां आप अपने तस्वीर को कोई कीवर्ड दे सकते हैं। ये कीवर्ड आपको बाद में इसे खोलने में आपकी सहायता करेंगे। कंटेंट पैनल में हर फोटोग्राफ के नीचे आपको स्टार्स दिखाई देंगे। आप यहां अपनी तस्वीरों को 1 से 5 स्टार दे सकते हैं और उसकी सहायता से बाद में उसे सॉर्ट भी कर सकते हैं। किसी सेलेक्टेड तस्वीर को पूरे स्क्रीन पर देखने के लिए स्पेस बार दबा दें, आपको पूरे स्क्रीन पर वह तस्वीर दिखने लगे। आप माउस के स्क्रॉल बटन की सहायता से इसे बड़ा और छोटा करके भी देख सकते हैं। बाईं तरफ फोल्डर पैनल के नीचे आपको फिल्टर पैनल दिखेगा, जिसकी सहायता से आप अपने फोटो को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 2 स्टार दबाया तो कंटेंट पैनल में केवल वही फोटोग्राफ दिखने लगे जिन्हें 2 स्टार दिया गया था। आप किसी और पैरामीटर को भी चुन सकते हैं और उसकी सहायता से अपने फोटोग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी फोटोग्राफ फोटोशॉप में खोलने के लिए केवल उस पर आप डबल क्लिक कर दें, वह सीधे फोटोशॉप में खुल जाएगा और तब आप फोटोशॉप में उस पर काम कर सकते हैं। आशा है ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकॉन को दबा दें। इस अंक में इतना ही। अब नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड बाई।